पापा अब मत रोना, मैं जा रहा हूँ, फिर मैं जा नहीं पाऊँगा बाहर। मैं थोड़े से दिनों के लिए हूँ, तो बस आप समझो, अब मत रो। हाँ बेटा, मुझे पता है। आप मेरे जाने के बाद ना ही पापा से लड़ोगे और ना ही रोओगे, ये बात मेरे को वादा करो। ठीक है बेटा, मैं करूँगी बस। तू चिलकूजे, मेरे को भूल मत जाना मेरे जाने के बाद, समझा? अरे चल बे चल, तेरे जैसे बहुत है मेरे पास। अच्छा तो कल रो क्यों रहा था बे? वो सब छोड़ तू, याद रखना मेरे को बस, समझा? बेटा तू थोड़े दिन नहीं रुक सकता क्या? हाँ यार आंटी सही बोल रहे हैं, रुक जा ना थोड़े दिन, तो रुक जा, क्या है तेरे को? नहीं मम्मी रुक नहीं सकता, वहां जाकर जॉब भी तो ढूंढनी है फिर। जॉब? मतलब जॉब इसलिए ताकि मैं वहाँ पे अपना जो खर्चा है वो कर सकूँ, और अपनी पढ़ाई पर भी अपने जो फीस लगती है वहाँ पर वो भी मैं दे सकूँ, इसलिए जॉब करनी ज़रूरी है। क्या बोलना क्या चाह रहा है? हम मर गए हैं क्या जो तेरी फीस नहीं दे सकते तेरे लिए? हाँ जो तू वहाँ जाके नौकरियाँ करेगा, कैंटीनों में नौकरियाँ करेगा साला, हम तेरी फीस नहीं भर सकते क्या? हम इतने काबिल नहीं दिखते तेरे को? पापा ये बात नहीं है, आप मरोगे तब भी तो सीखना ही है ना मेरे को, तो अभी क्यों बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? पापा मेरा वो मतलब नहीं है। बस हो गया। मम्मी मैंने क्या बोल दिया ऐसा जो पापा इतना गुस्सा करके चले गए? छोड़ छोड़ सब बात, तू जा और खुश रहे वहां पे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। वो तो रहूंगा ही अब, क्योंकि आप दोनों से आजादी मिल गई, अब आएगा मजा मेरे को वहां पे रहने में। आपको उसे बताना चाहिए कि अब हमारे पास इतने दिन नहीं है, हम मरने वाले हैं। मेरा तो कैसा कलेजा दुख रहा है आपको बता भी नहीं सकती। उसे तुमने देखा नहीं, उसको कितनी खुशी है कि वो अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो मैं कैसे उसकी खुशी मार दूं कि हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं उसके लिए? अब कैसे मार दूं उसकी खुशी में?